3 माइल नाम का एक छोटा सा शहर है जहां प्रियांशु नाम का लड़का रहता है। वह रोज अपने पापा के मोबाइल में पबजी खेलता रहता था। पापा जब भी पढ़ने को बोलते तो बहाना बना देता, आजकल तुम पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो। पापा, मैंने तो सारा होमवर्क कर लिया है। अच्छा, मुझे अपना बुक दिखाओ। तुमको पबजी खेलने से फुर्सत नहीं है तो होमवर्क कब किया? पापा, अभी थोड़ी देर में खेलने दो ना, बाद में मैं दिखा देता हूँ। बड़े लोगों की बात नहीं मानना, यही सीखे हो तुम? सब इस पबजी के कारण हो रहा है। अगर तुम नहीं उठे तो मैं मोबाइल ही तोड़ दूंगा। सॉरी पापा, अभी लाता हूँ। प्रियांशु ने सोचा, मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं है, पापा को क्या दिखाऊं? वह अपने रूम में गया और अपने बैग से बुक निकालकर बाहर आया। बुक लेकर जाकर पापा को दिया। पापा ने बुक को पलटकर देखा, होमवर्क तो किया है। अरे, होमवर्क तो पूरा किया है तुमने, लेकिन कब किया? प्रियांशु ने बुक देखा, होमवर्क किया हुआ है। वह सोचने लगा, मेरा होमवर्क कौन किया होगा? शायद मॉम ने किया होगा। प्रियांशु अपने माँ के पास गया। माँ किचन में खाना बना रही है। प्रियांशु को किचन में देखकर माँ बोली, प्रियांशु क्या चाहिए बेटा? माँ, मेरा होमवर्क आपने किया? नहीं बेटे, मैंने नहीं किया। अभी किचन से जाओ और पबजी कम खेलो। तुमने खुद ही किया होगा और भूल गए होगे। पता नहीं, शायद। प्रियांशु किचन से बाहर आ गया और फिर से पबजी खेलने लगा। प्रियांशु बहुत ज्यादा पबजी खेलने लगा। खाने पीने की फिक्र नहीं रहती थी। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गया। मारो, दुश्मन पीछे छुपा हुआ है, पहाड़ी के ऊपर से मैं गिर रहा हूँ, बचाओ। रोज रोज और बिगड़ते देखकर माँ बाप परेशान हो गए। आप उसको मोबाइल ही क्यों देते हैं? मोबाइल ही इस सब की जड़ है, इसको ही उखाड़ देता हूँ, मोबाइल ही ले लेता हूँ। हाँ, अभी के अभी ले लो और वापस मत देना। जब मोबाइल ही नहीं रहेगा तो खेलेगा किससे? पापा प्रियांशु के कमरे में गए। वह जोर से चिल्ला रहा था, और आगे बढ़कर गोली मारो, सही निशाना लगाओ। मार दिया, देखो मुझे गोली लग गई। पापा ने मोबाइल छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। मोबाइल टूट गया। प्रियांशु रोने लगा। पापा ने उसे डांटा, चुप करो और पढ़ने पर ध्यान दो। पापा कमरे से बाहर आ गए और अपनी बीबी के पास गए। मैंने मोबाइल ही तोड़ दिया, रो रहा है। रोने दीजिए, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। तुम चलो उसको चुप कराओ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। चलिए। मम्मी पापा प्रियांशु के कमरे में आए। वह रो रहा था। एक एक पार्ट जुड़कर मोबाइल फिर से वैसा ही हो गया। मम्मी पापा दोनों डर गए, प्रियांशु भी डर गया। सब डर कर मोबाइल को देख रहे थे। मोबाइल में पबजी स्टार्ट हो गया। मोबाइल से भूतनी की आवाज निकल रही थी। मैं जंगल के इस छोर पर हूँ, प्रियांशु तुम बचकर गोली चलाना, दुश्मन तुम्हारे सामने है। कौन हो तुम? मेरा मोबाइल कैसे ठीक हुआ? मैं पबजी प्लेयर हूँ, पर मैं मर चुकी हूँ, रात दिन लगातार पबजी खेलने के कारण मेरी मौत हो गई है। तुमको भी मरकर मेरे पास ही आना है। कुछ दिन मैं कब्रिस्तान में साथ रहेंगे और पबजी खेलेंगे। आओगे ना तुम मेरे प्यारे प्रियांशु? आओगे ना तुम? प्रियांशु बहुत ही डर गया और पापा से लिपट गया। प्रियांशु ने अपने पापा से कहा, पापा मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ? आप बताओ, मैं मरना नहीं चाहता,
आप बचा लो, मैं कभी पबजी नहीं खेलूंगा। इसके बाद पापा ने मोबाइल को आग में जला दिया। इस तरह से प्रियांशु की जान बच गई। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा दोस्तों? कोई भी खेल जरूरत से ज्यादा नहीं खेलनी चाहिए। अगर आदत बन जाए तो जान भी जा सकती है।